असलकुम माई डियर स्टूडेंट्स होपफुली आप ठीक ही होंगे आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव इटामिक मास एंड इटामिक मास यूनिट वट इज़ रिलेटिव इटामिक मास एंड इट इज़ एग्जाम्पल एंड वट इज इटामिक मास यूनिट ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिलेटिव का वर्ड है वो यूज़ होता है जब हम किसी भी चीज़ की कंपेरिजन करते हैं

और जब एटॉमिक मास की बात आती है तो मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमने एक्सप्लेन कर कर दिया था पिछले वीडियो में तो हमारे पास जो एटॉमिक मास है उसकी जब हम कंपैरिजन करते हैं रिलेशन लेते हैं विद सम ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स सो दैट दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास आर ए एम के साथ हम शो करते हैं और जब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास की हम बात करते हैं तो हमारे पास आजकल जो स्टैंडर्ड लिया हुआ है जिस एलिमेंट को हमने वो है हमारे पास कार्बन ट्वेल्व कार्बन ट्वेल्व क्यों कहा जाता है क्योंकि ये कार्बन का वो एसोटोप है जो एबंडेंटली पाया जाता है नेचर में और जो ज्यादा स्टेबल है और इसके मास में हमारे पास प्रोटॉन और छे न्यूट्रॉन मौजूद हैं कार्बन को क्यों स्टैंडर्ड लिया गया कार्बन से पहले हमारे पास स्टैंडर्ड लिया गया था हाइड्रोजन ठीक है और लेकिन हाइड्रोजन को आ, हटा दिया गया इज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट क्यों क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास एक तो गैस है दूसरा फ्लेमेबल है तीसरा सिंपलेस्ट है ठीक है सो ये इनकी कुछ आ, ऐसे प्रॉपर्टीज थी जिनकी वजह से हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट या स्टैंडर्ड एटम रिलेटिव एटॉमिक मासेस में या एटॉमिक मास यूनिट में जो स्टैंडर्ड एटम uh, लिया गया था एलिमेंट लिया गया था पहले पहले वो हाइड्रोजन था लेकिन फिर इसको हटा दिया गया अब जो आजकल स्टैंडर्ड एलिमेंट यूज होता है स्टैंडर्ड एटम यूज्ड होता है फॉर द कंपैरिजन दैट इज कार्बन 12 क्या है कार्बन ट्वेल्व कार्बन ट्वेल्व क्यों कहा जाता है क्योंकि हमारे पास इसी कार्बन में जो इसका एटॉमिक नंबर है वो सिक्स है और इसका एटॉमिक मास जो है वो कितना है ट्वेल्व है एटॉमिक मास मैंने डिफाइन करके दे दिया था कि हमारे पास चूंकि न्यूक्लियस में पार्टिकल्स मौजूद हैं मेनली कौन से पार्टिकल्स हैं प्रोटान हैं और न्यूट्रॉन है तो इन दो पार्टिकल्स की वजह से जो न्यूक्लियस का मास बन रहा है उसको हम कहते हैं उसी वजह से होल एटम का मास बनता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यानी कि अगर हम ले लें कि ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है ये जिसमें हमारे पास दोनों पार्टिकल्स मौजूद हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ये हमारे पास कार्बन ट्वेल्फ का आइसोटोप है ट्वेल्फ इस वजह से कहते हैं कि इसमें हमारे पास छह प्रोटॉन ठीक है कितने प्रोटॉन है छह प्रोटॉन है और छे न्यूट्रॉन है ये वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इसकी न्यूक्लियस में मौजूद हैं और इसी पार्टिकल की वजह से इसी एटम का मास होता है होल एटम का मास जो कंसेंट्रेटेड होता है वो सेंटर में होता है और सेंटर में कौन से पार्टिकल की वजह से होता है ये दो पार्टिकल्स मेनली इसके साथ और भी पार्टिकल्स हैं सब सब एटॉमिक पार्टिकल लेकिन ये जो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मेनली हमारे पास एटॉमिक मास बना किसी भी एटम का मास हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम यूं लेके कि ये छह प्रोटॉन हो गए किसमें ये छह प्रोटॉन हो गए कार्बन 12 में ठीक है ये कितने हो गए प्रोटॉन छह और इसी तरह हम लिख सकते हैं कि इसमें छह न्यूट्रॉन है ठीक सो so, इन छह प्रोटॉन और छह न्यूट्रॉन की जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट मास है यानी एक प्रोटॉन का मास अगर हम देखते हैं तो ग्राम में कितना है ठीक है ग्राम एक यूनिट है किस चीज का मास का किलोग्राम भी यूनिट है मास का मास के डिफरेंट यूनिट आपने देखे होंगे कि हमारे पास जो मास होती है किसी भी चीज की किसी भी चीज की चाहे वो हमारे पास सब्जी हो फ्रूट हो आटा हो चीनी हो कोई भी चीज हो जिसका मास हम अगर लेते हैं तो हम मार्केट में जाते हैं शॉप में जाते हैं हम कहते हैं कि एक किलो चीनी दे दें एक ग्राम हमारे पास ग्लूकोज दे दें या आटा दे दें एक किलोग्राम दे दें तो ये जो ग्राम और किलोग्राम है ये मेन दो हमारे पास ट्रेडिंग यूनिट्स हैं किसके मास के अब जब मास आफ एटम की बात आती है तो एटम तो हमने कहा था 1800 में तो ग्रीक फिलस्फर ने ये कहा था कि ये इनडिविजल पार्टिकल है इसमें कोई और पार्टिकल है इसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते ये इतना छोटा पार्टिकल है लेकिन सेंचुरी में जब ये इसको हम डिवाइड और कर सकते हैं तो फिर हर एक एटम के न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स दो जरे मौजूद हैं एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन जो इन दोनों के कंबाइंड मास से हमारे पास बनता है एटम का होल मास क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इतना छोटा है है कि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में इसको कर सकते हैं ठीक क्यों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी यह जवाब दिया था कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना छोटा है कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में हम निगलेक्ट कर सकते हैं सो एटम का होल मास कौन से पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और हमें यह भी पता है कि प्रोटॉन का मास जो है वो बराबर है न्यूट्रॉन के मास के साथ यानी जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही न्यूट्रॉन का है इन दोनों के मासेस क्या है बराबर है मासेस आर इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन अब हमें ये पता है कि हमारे पास एक प्रोटॉन का जो मास है एक प्रोटॉन कितने प्रोटॉन है कार्बन में छे एक प्रोटॉन का जो मास है वो वन पॉइंट सिक्स फाइंड आउट मास है लेकिन ये ग्राम में इतना फिगर याद रखना कोई आसान काम है हर एक एलिमेंट में हर एक एटम का ग्राम में अगर हम पीरियडिक टेबल में देख ले इसका मास हम याद रखना चाहें तो ये कोई आसान काम है हर एक एटम में कोई एक प्रोटॉन नहीं होता अब जैसे हमारे पास कार्बन में कितने हैं? है प्रोटॉन है और छ ही न्यूट्रॉन है तो हमने ट्वेल्व के साथ इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास हमारा मास ग्रेम में आ जाएगा लेकिन है इसी पे आते हैं लेकिन पहले जो मैंने बोला कि हमारे पास जो मास की यूनिट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज किलोग्राम एंड ग्राम लेकिन यही मास की यूनिट हम किसी एक एटम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं क्यों क्योंकि एटम बहुत छोटा जर्रा है यूनिवर्स का यूनिवर्स का सबसे छोटा जरा जो है वो एटम है कैसे यानी कि अगर हम ले लें कि ये हमारे पास कोई एक डॉट है ठीक है कोई ड्रॉप है कोई डॉट है ड्रॉप ऑफ वाट इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे ठीक तो एटम एक बहुत छोटा जर्रा है इसके इसका मास हम किलोग्राम या ग्राम जो बड़े यूनिट्स हैं जो हम और मटेरियल या सब्सटेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन एटम के लिए यूज नहीं कर सकते सो so, एटम के मास के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे ये हमारे पास एक सवाल आता है जो मैंने ऊपर अब लिखा हुआ है एटॉमिक मास यूनिट ये इस्तेमाल करेंगे लेकिन किस तरह हम मैंने यहां पे डिफिनीशन लिखी है रिलेटिव इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट कंपेयर्ड विद वन द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्थ एटम वन ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इससे स्टूडेंट बड़े घबराते हैं जब ये डेफिनेशन देखते हैं हम खुद भी कार्बन कार्बन तो क्लियर कर दें कि कार्बन की तीन आयस कितने हैं कार्बन ट्वेल्व है कार्बन थर्टीन है, है और कार्बन फोर्टीन है इसमें हम ट्वेल्थ इस वजह से लेते हैं कि ट्वेल्थ सबसे ज्यादा पाया जाता है इट इज अकर्ड इन नेचर एबंटली अबाउट नाइन्टी एट परसेंट यह नेचर में पाया जाता है ज्यादा पाया जाता है आइसोटोप है। इसमें छे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और छे ही न्यूट्रॉन है नहीं है सब में कोई इस तरह नहीं है कि सात प्रोटॉन या छह तो ये वो कार्बन का आइसोटोप है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू तो प्रोटॉन इज इक्वल टू तो न्यूट्रॉन ठीक तो इस वजह से हम कार्बन ट्वेल्व को इज ए स्टैंडर्ड ले रहे हैं इज ए स्टैंडर्ड ताकि इसके साथ हम और एटम की या एलिमेंट की कंपेरिजन कर दें क्लियर है तो कार्बन ट्वेल्व से तो नहीं घबराएंगे ये टर्म सुन के तो कार्बन ट्वेल्व के साथ जब हम कंपेयर कर दें किसकी जब किसी भी एटम की मास किसी भी एटम एटम सिमिलर एटम से एलिमेंट बनेगा सो मास ऑफ 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 एन एटम एलिमेंट विद द मास का का क्या मतलब है इसको मैं हाइपोथेटिकली आपके आपको समझाने के लिए अगर मैं यहां पे ड्रा कर दू कि सपोज ये मेरे पास है एक कार्बन का एटम क्या है ये वन कार्बन है वन कार्बन ट्वेल्व है क्या है वन कार्बन ट्वेल्व है अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें कितने पार्ट्स हैं, इसके कितने यूनिट्स हैं ये कितने यूनिट से बना हुआ है आप सबको अभी मैंने बता दिया कि ये हमारे पास बना हुआ है कितने पार्ट से कितने यूनिट से ये इसको मैं यू यूनिट भी कह सकती हूं या ये हमारे पास कितने पार्ट से बना हुआ है तो ये कितने पार्ट से बना हुआ है 12 से 12. ये 12 जो है जो मैंने रेड में ड्रा किए हैं लेट सपोज ये सारे मेरे पास न्यूट्रॉन है ठीक है और ये जो है ये आ, ब्लू में ये क्या है प्रोटॉन है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो बराबर है तो हम अगर ये कह दे कि हमारे पास इसी कार्बन में कितने पार्ट्स हो गए हैं इसमें बारह पार्ट्स हो गए इसमें कितने यूनिट्स हो गए हैं बारह ठीक अब मैं ड्रा करती हूं लुक अब देखें इसके कितने पार्ट्स हो गए वन टू थ्री फोर कितने पार्ट्स हो गए फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व कितने पार्ट्स हो गए ट्वेल्व येटिकल है एक्सपेरिमेंटल यानी कि हम इसको प्रैक्टिकली कर नहीं सकते तो हम जस्ट uh, कंसीडर कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए लेट्स सपोज मैं ये एक पार्ट ले रही हूं किस चीज से इसी कार्बन के बारह पार्ट में से कोई एक पार्ट मैं ले लेती हूं वन यूनिट या वन पार्ट अगर मैं ले लू इसी वन यूनिट या वन पार्ट को मैं क्या कह दूंगी आई विल से इट इज वन यूनिट ठीक है इसको हम कहते हैं सो वन यूनिट यानी के वन यूनिट और इसी एक यूनिट का अगर मैं मास ले लू सो दिट विल बी द मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा ना इस वन यूनिट का जो मास होगा वो मास ऑफ प्रोटॉन या मास मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा ये कोई ऐसे पार्ट है जिसमें छह प्रोटॉन और छह न्यूट्रॉन है लेकिन छह प्रोटॉन के जो जितना प्रोटॉन का मास है उतना न्यूट्रॉन का है तो लेट्स सपोज कि कोई भी पार्ट है लेकिन इसी एक यूनिट का अगर मैं मास ले लूं सो दिट इज कॉल्ड एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट किसी एक यूनिट का मास किसी एक यूनिट के एटम के मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट और इसी एटॉमिक मास यूनिट जो कार्बन का हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है सो so हमारे पास हम जो रिलेटिव कॉवर्ड यूज करते हैं इसी को हम बोलते हैं कि हमारे पास ये एटॉमिक मास यूनिट है और जो रिलेटिव कॉवर्ड हम यूज करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि हम लेट्स सपोज कोई भी फिजिकल बैलेंस है अच्छा वेट इसी पे आते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव रिलेटिव इसको बोलते हैं कि हमने कार्बन हैं्बन को स्टैंडर्ड लिया ये एक एटम ऑफ कार्बन है, इसी में कितने पार्ट्स मौजूद हैं, ये कोई भी फिजिकल बैलेंस है सपोज कर रही हूं ताकि आपको समझ आए कि इसमें अगर हम एक एटम कार्बन का लें, तो दूसरे पलड़े में हम कितने यूनिट्स डालेंगे कार्बन के ताकि एक कार्बन के एटम के बराबर हो जाए बारह पार्ट्स डालेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व बारह पार्ट्स या बारह यूनिट्स हमने डाल दिए तो ये इसके बराबर हो गया अब अगर हम इसी कार्बन ट्वेल्व के साथ कंपैरिजन कर दें कार्बन ट्वेल्व का जो ये एक यूनिट मैंने लिया हुआ है ये एक यूनिट क्या लिया है मैंने ये एक यूनिट लिया है इसी एक यूनिट के साथ अगर मैं कंपेरिजन कर दू एक हाइड्रोजन की दूसरे फिजिकल बैलेंस की दूसरे पलड़े में मैं क्या डाल रही हूं हाइड्रोजन तो ये इसी एक यूनिट का जो मास है हाइड्रोजन उसके बराबर हो जाएगा ये फिजिकल बैलेंस लेट सपोज आप कहते हैं ये बराबर हो गया बराबर हो गया तो इसका जो मास होगा इसके साथ मैं क्या लिख लूंगी कि ये वन ए के बराबर है वन एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट के बराबर हो गया ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो मास आ गया वो कितना हो गया वन ए लेकिन इसी एक पार्ट का मास अगर हम ग्राम में ले लें ग्राम में तो कितना आ रहा है वन पॉइंट सिक्स सिक्स मल्टीप्लाइड माइनस ट्वेंटी फोर तो ग्राम में याद रखना आसान है कि ए एमयू में ए में रखना आसान है याद हम रख सकते हैं बल्कि टेबल में भी जो मासवन है वो एटम के जो मास हैं वो ए एमयू में है क्योंकि हमारे पास ये माइनस ट्वेंटी फोर ये बहुत ज्यादा एक बड़ा फिगर हम पॉइंट जीरो 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 माइनस ट्वेंटी फोर जीरो पॉइंट के बाद ट्वेंटी फोर जीरो लगाएंगे और फिर जाके हमारे पास वन एंड सिक्स सिक्स तो हमारे पास ये याद रखना एएमयू में आसान है कंपेयर टू ग्राम दैट्स व्हाई वी टेक एटॉमिक मास यूनिट फॉर एन एटम नॉट अ ग्राम लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे हीलियम ले लें तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना है उस टाइम तो मालूम नहीं था ठीक है अभी कितना है वैसे फोर है ना हमें पता है तो यहां पर हम कितने पार्ट्स डालेंगे कि ये इस के बराबर हो जाए ये पलड़ा नीचे होगा और ये ऊपर होगा जब हमने इसको बराबर करना है तो इसी तरह के कितने पार्ट्स हम डालेंगे चार फोर पार्ट्स डाल देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल तो जब फोर पार्ट्स डाल दिए तो यहां से ये आ, रिलेटिव तो स्टैंडर्ड हमें ये पता चला स्टैंडर्ड क्या था वही कार्बन का कार्बन ट्वेल्व था उसी के साथ हमने बराबर कर दिया तो ये आ गया कि ये 4 AMU है है ठीक जिस तरह हम लेते हैं ना कि हमारे पास इसी फिजिकल बैलेंस में हम लेते हैं कि हम कहते हैं शॉपकीपर के पास जाते हैं कि एक किलो चीनी दे दें एक किलो चीनी दे दें तो वो क्या लगाते हैं आपने देखा होगा कि शॉप्स में वो एक किलोग्राम स्टोन रख देते हैं वो स्टोन कितना होता है वन किलोग्राम और वो क्या होता है वो स्टैंडर्ड होता है वो एक स्टैंडर्ड मास होता है और इसी के दूसरे पलड़े में फिर चीनी डालते हैं और आपको उतना ही चीनी डालते हैं जब तक कि ये पलड़े बराबर हो जाए तो ये क्या हो गया ये रिलेटिव मास हो गया किसका रिलेटिव मास हो गया चीनी का जो इसने कंपेयर किया विद मास मेरे ख्याल में आप क्लियर हुआ होगा कि वन किलोग्राम चाहे हम चीनी ले रहे हो या सब्जी ले रहे हैं या फ्रूट ले रहे हैं आप कहते हैं कि यहां पे मुझे वन किलोग्राम वेजिटेबल्स दे दे तो वो तब तक डालेंगे जब तक कि ये एक स्टोन जो किलोग्राम था उसके बराबर आ जाए तो जो एक किलोग्राम का स्टोन है दैट इज स्टैंडर्ड और इसके साथ जो हमने बराबर लेके आनी है जो भी मास है किसी भी सब्सटेंस का वो रिलेटिव मास है हमने इसकी कंपेरिजन कर दी विद स्टैंडर्ड वन सो दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास लेकिन इन केस ऑफ एटम वो तो मैंने सब्जी और फ्रूट की एग्जाम इन केस ऑफ एटम हम ये जो कर रहे हैं ये हम आर ए एम निकाल रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास किसका निकाल रहे हैं बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड वन और स्टैंडर्ड एटम हमारे पास क्या है कार्बन 12 है अब अगर इसी के साथ हम ये दूसरा कोई एग्जांपल लें लेट्स सपोज मैं यहां पे ले रही हूं कि यहां पे तो हमने कार्बन का एटम लिया है कार्बन के पार्ट्स लिए हैं लेट्स सपोज यहाँ पे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है एटॉमिक मास 16 है कितना है 16 है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है उस टाइम तो मालूम नहीं था जी कितना है सिक्सटीन यूनिट्स है इसमें कितने यूनिट है सिक्सटीन एक कार्बन में कितने यूनिट होते हैं ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व अब ये ऑक्सीजन का पलड़ा जो होगा वो नीचे होगा वो तो नीचे था ठीक हम इसमें और कितने पार्ट्स डाल देंगे कि ये इसके बराबर आ जाए हम इसमें और डालेंगे ट्वेल्व था जब हमने चार पार्ट्स या चार यूनिट्स और डाल दिए तो ये पलड़ा इसके बराबर आ गया एक ऑक्सीजन का तो उधर से पता चला कि एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन में कितनी यूनिट्स है 16 यूनिट्स है उसमें कितने हमारे पास इसके न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स हैं 16 पार्टिकल्स मौजूद हैं 16 मींस कि हमारे पास 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होंगे और हमारे पास यहां पे जो हम यूनिट लगाएंगे ऑक्सीजन का दैट इज 16 एएमयू और इसी तरह अगर हम यहां पे क्लोरीन ले लें क्लोरीन का एटॉमिक मास हमें लेट सपोज उस टाइम मालूम नहीं था तो क्लोरीन का वैसे जो हमारे पास मास है 35.5 है नहीं था मालूम तो ये बहुत नीचे होगा ये पलड़ा और कार्बन 12 को ऊपर होगा ये कार्बन के जो 12 यूनिट थे उसके साथ हम और कितने मिला लेंगे यूनिट्स कि ये एक क्लोरीन के बराबर आज क्लोरीन में तब तक ये पलड़ा नीचे होगा जब तक हम यहाँ पे यूनिट डालते चले जाएंगे ये कितने यूनिट्स डाल दिए 35 1.5 फ्यू यूनिट अगर हम डाल दें 35 यूनिट हम डाल दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा तो हम कहते हैं कि जो क्लोरीन का मास है वो कितना है 35.5 एटमिक मास यूनिट हम लिख सकते हैं और यहाँ पे जो अगर हम इसी एएमयू को ग्राम में लें तो एक क्लोरीन का जो 35.5 एटमिक मास यूनिट में जो मास है उसको अगर हम ग्राम में लें तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे With gram, to 10 minus 34, 24 gram, तो एमयू तो में, में, तो में याद रखना आसान है आसानी से हमें पता है कि ये इतने पार्ट्स या इतने units मौजूद हैं किस चीज में क्लोरीन के न्यूक्लियस में या मास क्लोरीन का जो है वो

एन एटम ऑफ वन पार्ट ऑफ एन एमट आउट किया गया था बाई यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू डिफरेंट एसोटोप ऑफ एन एटम और उनकी रिलेटिव एब ले ली गई थी और फार्मूला इस्तेमाल करके उसने जो डिफरेंट आइसोटोप्स लिए थे उनसे हमारे पास ऑफ एन एटम निकाल लिए थे सो दिट्स आल अबाउट द मास यूनिट होपफुली आपको समझ आई होगी थैंक्स एंड वॉच थैंक यू फॉर वॉचिंग मी विल सी यू एंड माई नेक्स्ट वन लेक्चर